Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको टीम पाकिस्तान न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। अपडेट आ रही है सऊदी अरब की जानिब से उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम ममालिक के लिए जिन पर पाबंदी लगी हुई है, जैसे कि पाकिस्तान है, भारत है और भी काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जिन पर सऊदी अरब ने पाबंदी लगा रखी है। और उसके साथ पाबंदी के साथ साथ एक और जो परेशानी है वो सारे पर मंडलाने लग गई है। मुकम्मल न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस न्यूज़ चैनल पर पहली दफ़ा आए तो न्यूज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। अगर बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तानी और भारतीयों के लिए एक बुरी खबर कह सकते हैं कि सऊदी अरब की जानब से ये ऐलान किया गया, जवाजात की जानब से ऐलान किया गया कि जो भी बंदा छुट्टी पर अपने मुल्क में गया है और छुट्टी ख़त्म होने के बाद वो वापस नहीं आया, उसको 3 साल की जो पाबंदी है उसका सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी छुट्टी पर गए हुए हैं तो भाई अपना कोई ऐसा हिसाब किताब लगाएं कि आप किसी दूसरे मुल्क में रहकर, जैसा कि दुबई है या कोई भी ऐसा मुल्क है जहां पर आप क्वारंटाइन कर सकते हैं या आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई आप सऊदी अरब का ट्रैवल कर जाएं, नहीं तो आपको 3 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक ये अपडेट आ रही है सऊदी जवाजात की जानब से। अगर आप वर्क वीज़े पर मौजूद थे और आप दोबारा अब सऊदी अरब जाएँगे, आपको अगर वो टाइम जितना आपको दिया गया वो अगर ख़त्म हो जाता है उसके बाद अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो आप सऊदी अरब नहीं जा सकते, 3 साल की आप पर पाबंदी लग सकती है। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी।